हमारे मंदिरों का जो कचरा होता है हम उसे नदियों में डंप करते हैं, क्योंकि और कहीं उसे डाल नहीं सकते, वो एक पवित्र वेस्ट होता है मंदिर का। तो हम लोग एनर्जी इनोवेशंस में उस वेस्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोग टेंपल्स के अंदर बिन सेटअप करते हैं, डब्बे लगाते हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की हेल्प से और हमारी टीम की मदद से उस वेस्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उस वेस्ट को कलेक्ट करके उससे हम लोग स्टैचूज, स्क्रिप्चर्स, ऐसी सारी चीज़ें बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता था और मंदिर के किनारे एक तालाब था, वहाँ जाके बैठता था, तो देखा वो तालाब धीरे धीरे करके पूरा पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उसमें मंदिर का कचरा आके डलता है। अब उस तालाब के पास में बैठने में उतना मन नहीं लगता जितना पहले लगता था, तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो पता चला जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट है वो है द एशेस ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूपबत्ती की राख। और जब वो नदी में जाती है तो जो टॉर्टोइज, जिनकी उम्र 200-300 साल होती है, वो उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और साथ ही साथ उनको किल कर देती है, उनको मार देती है। ऐसा ही मछलियों के साथ और अलग अलग वाटर बॉडीज़ के साथ होता है। तो मुझे लगा क्यों ना इसका कोई सॉल्यूशन दिया जाए, इनको बनाता कौन है। तो हम लोग जेल इनमेट्स, जो जेल के कैदी लोग हैं, ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं ये बनाने के लिए, कम्युनिटीज़ को ट्रेन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1200 से ज़्यादा फैमिलीज़ को ट्रेन किया है जो ये काम कर रही हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं 15 दिन का और 7 दिन का, जहाँ पर हम लोगों को सिखाते हैं कि वो लोग कैसे टेम्पल वेस्ट से ये चीज़ें बना सकते हैं। और मेरा सपना था कि मैं NIF का ज्ञान का, हनी बी नेटवर्क का एक इनोवेटर बनूं, और मैंने बहुत सारी जगह पर ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हुए एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही 2018 से ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान की योजनाओं का बहुत फ़ायदा मिलता है।